चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं के चलते प्रतिबंध से नाराज डीजे संचालकों ने आज भोपाल के कमला पार्क में धरना देकर अपना विरोध जताया। डीजे संचालकों का आरोप है कि डीजे पर बैन के चलते उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इसके पहले डीजे संचालकों ने सुबह मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। डीजे संचालक कहते हैं कि उनसे रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने का बॉन्ड प्रशासन ने भरवाया, पर प्रशासन दिन में भी डीजे नहीं बजाने दे रहा है। हम इस बात को लेके खड़े हुए हैं कि आदर्श आचार संहिता का हम मतलब सम्मान करते हैं। आदर्श आचार संहिता के उसमें लाके हमें मतलब बेरोजगार किया जा रहा है। अब हमारा 2 महीने का ही सीजन है, 2 महीने का यदि सीजन हमें नहीं चलाने दिया, यदि हम 2 महीने तक रुकते हैं तो हमारे पूरे साल की रोजी रोटी का संकट हमारे ऊपर आ रहा है।